कटनी जिले में शिक्षण कार्य कुल भगवान भरोसे चल रहा है। ऐसे में नौनिहाल और छात्र छात्राओं के भविष्य कैसा होगा, इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल आज जिला शिक्षा समिति की बैठक एक वर्ष बाद बुलाई गई, जिसमें कटनी जिले से 6 ब्लॉक के स्कूल के जर्जर भवन समेत दली पूर्व शासकीय प्राइमरी स्कूल की व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। लेकिन बैठक के दौरान ही जिला शिक्षा समिति के कई सवालों के जवाब में जिम्मेदार अधिकारी बगले झांकते नजर आए, तो कई गोलमोल जवाब देते रहे, जिसके चलते जिला शिक्षा समिति के सदस्य नाखुश नजर आए। ऐसे स्थिति में शिक्षा समिति के अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा ने अंत में खड़े होकर विभागीय अधिकारियों से सहयोग करने और ईमानदारी से कार्य करने तक की अपील की और कहा कि जिले में शिक्षा के स्तर को सुधार करने आगे आए और जमीनी स्तर पर कार्य करें। देखिए, ये समस्या तो पूरे जिले में है, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं बिल्डिंग का शिक्षक है तो बच्चे नहीं हैं, ऐसी स्थितियाँ विषमता बढ़ रही हैं। और जिसके लिए आज बैठक समीक्षा बैठक रखी गई है कि इनकी पूर्ति जल्द से जल्द करें। जहाँ बच्चे कम हैं, दर संख्या कम है, तो इन स्कूलों के पास के स्कूलों में मर्ज करके दर संख्या बढ़ाई जाए, तो इससे हमारी निराकरण ये होगा कि टीचर को भी पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि कुछ जगह ऐसा कि 10 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं, क्योंकि ये लगभग ये मान के चलिए कि 30 बच्चों में एक शिक्षक हम गिनते हैं, ऐसा मापदंड इन्होंने बनाया है विभाग द्वारा।